कि दी आप शादी कब कर रहे हो, तो गाय था कि दीदी आप यूट्यूब से, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं अभी बोल रही हूँ, तो लास्ट क्वेश्चन था कि दी आप यूट्यूब पे आपकी कितनी इनकम है। राधे कृष्णा दोस्तों, तो कैसे सभी, आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं Q&A ब्लॉग, और आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे हैं। गाइस अब हम अपनी एक्सपेंसिव सीट पे बैठने जा रहे हैं, तो गाइस बैठ जाते हैं। हाँ यही है यही। तो गाइस अभी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट अगर आप हमें प्यार करते रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट नहीं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, तो जॉब से रिलेटेड, फिर स्टडी से रिलेटेड, फिर शादी से रिलेटेड, फिर इनकम से रिलेटेड, तो आज सभी का आंसर देंगे। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो गाइस जो हमारा पहला क्वेश्चन आया है वो है शूटर का। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है कि आप कितने पढ़े लिखे हो। तो गाइस जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है उनका नाम है शूटर। शूटर तो पता नहीं कहा कि शूटर है, बट इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हो। तो यार इन्होंने पढ़े लिखे होने का क्वेश्चन पूछा है, तो मैं पढ़ी हूँ, MA कर रही हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस में, और अभी स्टडी चल ही रही है, चलती जा रही है, तो पता नहीं। तो गाइस जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है साहिब का। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है कि आपके लाइफ में फेवरेट पर्सन कौन है आपकी लाइफ में। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरे दादी हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी, छोटे होते, जब मैं बड़ी हुई, जब तक अभी तक मैं अपनी दादी के साथ सोती हूँ, और जब तक मैं अपनी दादी की थाली में एक बाइट ना लूँ खाने का, तो मुझे खाना हजम भी नहीं होता और ना ही नींद आती है रात को स्पेशली। तो सबसे ज़्यादा प्यार फिर दादी से ही हुआ ना, तो दादी से ही करती हूँ सबसे ज़्यादा प्यार। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तनु का कोई मेन मोटिव है लाइफ में भी, ये जो काम करके ही छोड़ देना है, या मतलब है ना, इन्होंने पूछा कि काम करके छोड़ देना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जश्न के लिए ने पूछा है, तो काम मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं अपने काम से रिलेटेड जाती हूँ कहीं भी, तो मैं ज़्यादा उस पर फोकस देती हूँ, और मेरा यही है कि लाइफ में मैं आगे बढ़ती रहूँ और बहुत अच्छा अच्छा काम करूँ, आपके दिल में सभी की जगह बना लूँ, तो मेरे लिए ये मेन है। और मैं काम आगे भी करना चाहती हूँ इसी लाइन में, जो मेरा प्रोफेशन है उसी लाइन में मैं काम करना चाहती हूँ। और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं बिग बॉस में भी जाऊँ, मेरा स्पेशली ये है ड्रीम कि मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे लड़ने लुड़ने का बड़ा शौक है। तो बंदा बुंदा मार के आएंगे उधर, तो स्पेशली वो। तो और भी चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये पूछा गुरप्रीत जी ने, तो गुरप्रीत जी ने क्वेश्चन पूछा 2024 में आपका क्या उद्देश्य है जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं स्पेशली खुद के लिए बताऊं कि मेरा ड्रीम ये है कि मैं अपने पैसों से एक घर बनाऊं और गाड़ी भी लूं, अपने पापा को स्पेशली गिफ्ट दूं अगर हो सके तो, ये मेरा ड्रीम है। अभी से नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम से है, बट अभी भी मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ कि जैसे आप सोच सकते हैं यार, पापा ना सुबह काम को जाते हैं, तो ना कभी ठंड होती है, तो फिर आपको पता बाइक में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो हमारे पास शायद गाड़ी होती तो सबसे बेस्ट रहना था, पर चलो धीरे धीरे सपने पूरे होंगे, आप सभी का भी ये सपना होगा, तो उसी तरह मेरा भी ये ड्रीम है, तो जो मैं 2024 में पूरा करना चाहती हूँ। तो गाइस अभी चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ये पूछा मनीषा ठाकुर जी ने, और इन्होंने पूछा कि दी योर फेवरेट प्लेस टेम्पल इन इंडिया। तो सिस्टर जो मेरा फेवरेट प्लेस है वो वृंदावन है, और आप सभी को भी शायद पता ही होगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम यूट्यूब पे डालती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे बोलती रहती हूँ कि मेरा बहुत मन है। तो गाइज आपने सुना ही होगा कि जब तक राधा रानी जी हमें बुला नहीं लेते तो हम कहीं जा नहीं सकते, स्पेशली वृंदावन नहीं जा सकते राधा रानी के बुलावे के बिना। तो अभी तक मुझे बुलावा नहीं आएगा, और आया तो जब आएगा तो मैं पक्का जाऊंगी। और दोस्तों आप सभी को जैसे पता ही होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 को, तो सभी से निवेदन है कि सभी अपने घरों में दिया जलाएं, मोदी जी ने भी कहा है जैसे आप सुन सकते हैं, तो ज़रूर जलाएं। और हम जब भी मैं मतलब वृंदावन जाऊंगी तो मैं ज़रूर राम मंदिर जाके आऊंगी, तो वो भी मेरा ड्रीम है। गाइज अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन के साथ, और हमें सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा है हरमन बाजपा जी ने, और इन्होंने पूछा कि 2023 में आपकी फैमिली या दोस्तों के लिए एक लाइन जो आपको पूरी लाइफ याद रहे।
तो दोस्तों मुझे अपने घर में वैसे सारे लोग हैं, बट मुझे अपने दादू जी की बात एक बहुत याद रहती है। तो उनका जैसे लास्ट जब वो उनकी डेथ हुई ना, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुझे कभी हार नहीं माननी है लाइफ में, हमेशा आगे बढ़ते रहना। और मेरे दादू जी ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मेरे अभी मम्मी पापा मना कर देते थे। तो और मैं एक और स्पेशली बात बोलना चाहती हूँ कि अभी मैं इस लाइन में हूँ ना, तो सबसे पहले जो मुझे स्पॉट किया था तो मेरे वो दादू जी ने किया था, और तभी मेरे घर वाले इस लाइन के लिए मुझे माने। तो स्पेशली मेरे दादाजी को ये चीज़ आती है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनकी हमेशा मुझे ये लाइनें याद रहेंगी कि आगे बढ़ो, किसी की बात नहीं सुननी किसी और की। तो स्पेशली ये लाइन। और गाइस दोस्त तो मेरी एक है, आप सभी को शायद मिलाया मैंने उनके साथ, उसकी मुझे कोई बात याद रखने वाली नहीं है। तो वो तो जितना वो बोलती है उतना मैं बोलती हूँ, वो बोलती रहती मैं सुनती रहती, उसको मेरी बातें याद नहीं रहती, मुझे उसकी याद नहीं रहती। तो दोस्त की मैं इतनी ध्यान में बातें नहीं लेती क्योंकि उसका वो पता नहीं क्या बोलती रहती है, आई डोंट नो। गाइस अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन के साथ, और ये पूछा है राहुल जी ने, आपकी इंस्टाग्राम जर्नी कैसी रही, आपकी फर्स्ट वीडियो आपने कब डाली थी। तो गाइस आप सभी लोगों को जैसे पता ही होगा, कुछ लोगों को पता भी नहीं है वैसे, जो मुझे अभी फॉलो करें इंस्टाग्राम से, तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्टिंग की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा सबसे पहले स्टार्टिंग मेरी हुई थी टिकटॉक पे, और जो मेरी फर्स्ट वीडियो है वो थी तेरा दिल ते लिख लिया ना तू कर दे हाँ तू कर दे हाँ। तो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी और मैंने छत पे ही बनाई थी, मेरा फेवरेट प्लेस तो मैंने इधर ही बनाई थी, तो मेरी फर्स्ट वीडियो वही थी। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है करण ठाकुर जी ने, इतने फॉलोवर है फिर भी आप में 0% एटीट्यूड है, डाउन टू अर्थ हो आप और आपके नेचर से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को थैंक यू। और जब भी मैं कॉलेज जाती थी ना, तो मुझे सारे बोलते थे कि दीदी आप बहुत अच्छी हो और आपका नेचर बहुत अच्छा है। तो गाइस और मुझे ना कई लोग ये भी बोलते थे कि दीदी आपने थोड़ा सा एटीट्यूड रख लिया करो, एटीट्यूड लाइफ में बहुत जरूरी है। गाइस एक तरफ तो अच्छा है एटीट्यूड, बट अगर मैं कहीं रास्ते में जा रही हूँ और मेरे साथ कोई फोटो खिंचवाने आ जाए है ना, तो मैं कभी किसी को मना नहीं करती, बट उस चीज़ का मैं एटीट्यूड रख लूँ कि फ़ोटो खिंचवाने आ रहा कोई और मैं ऐसे जा रही हूँ एटीट्यूड से, तो ये चीज़ गलत है मेरे लिए। क्योंकि अगर मैं आप सभी लोगों को एटीट्यूड दिखा भी दूंगी ना, तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि जो भी हूँ आप सभी लोगों की वजह से हूँ। और अगर मेरे से कोई मिलना भी आता तो मैं किसी को मना नहीं करती, घर आ जाते हैं कहीं फ़ोटो करवाते हैं तो मैं उनको अच्छे से मतलब बिहेव करती हूँ, सबसे अच्छे से मिलती हूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं, और इस चीज़ का मुझे एटीट्यूड कभी भी नहीं होगा और ना ही रहेगा। तो गाइस जो हमें लास्ट क्वेश्चन बहुत सारे आए थे कि दी आप शादी कब कर रहे हो, तो गाइस अभी शादी का आप सभी लोगों को पता है कि कोई प्लान नहीं है, 2-3 साल अभी तक नहीं होने वाली शादी। और एक और क्वेश्चन पूछे कि दीदी आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तो थैंक यू उसके लिए, अगर मैं आप सभी लोगों को क्यूट रखती हूँ तो उसके लिए थैंक यू। और लास्ट जो क्वेश्चन था वो था कि दीदी आप यूट्यूब से, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं अभी बोल रही हूँ, तो लास्ट क्वेश्चन था कि दी आप यूट्यूब पे आपकी कितनी इनकम है। तो गाइज अभी यूट्यूब पे तो नहीं, बट इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत, चलो वो बाकी तो खुद के लिए करते हैं, उनकी कमाई उनके पास ही है जो भी है, बट थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, मतलब अपना गुजारा कपड़े वगैरह सब कुछ ये अपनी तरफ से हो जाता है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं, मैं अभी अर्निंग नहीं कर रही हूँ। और आप लोगों का प्यार रहेगा तो शायद शायद अर्निंग ज़्यादा हो जाए, बट चलो आप सभी लोगों का प्यार है, जितना भी आप करोगे एक्सेप्ट है मुझे। और बाकी क्वेश्चन यही थे कि क्यूट, और जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उनके आप चिंता मत करो, नेक्स्ट ब्लॉग बनेगा Q&A ब्लॉग सेकेंड, और उसका हम सभी जो रह गए हैं क्वेश्चन उनका भी आंसर देंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन सभी का ही रहता है कि दीदी आपकी फेक आईडी बनी हुई है, पैसे मांग रहे हैं। तो गाइज आप सबसे पहले उस फेक आईडी का मैं शायद फ़ोटो भी डाल दूँ, यहाँ पे फ़ोटो डाली हुई है देख लेना आप। और इस आईडी के आपने क्या करना है, रिपोर्ट कर देनी है, यूट्यूब पे भी है बट वो मेरी गलत यूज़ नहीं कर रहा आईडी का, बट जो इंस्टाग्राम पे वो गलत यूज़ कर रहा है, तो उसको आप रिपोर्ट करें। और मेरी सिर्फ एक ही जो रियल आईडी है वो है तनुजा ऑफिशियल तनुजा 443, ये मेरी रियल आईडी है। और गाइज सबसे ज़रूरी बात मैंने पहले भी बोला था वीडियो में और अभी भी बोल रही हूँ कि 22 को हमारे राम जी पधार रहे हैं, तो सभी रात को दिया जलाएं अपने घरों में, रात को ज़रूर जलाएं, और क्योंकि हमारे राम जी आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ही वीडियो एंड करते हैं, जय श्री राम। तो
तो गाइज एक बात और रहेगी, गाइज तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज आएंगे आपके लिए, और लाइक शेयर कमेंट, और इस जो हमने वीडियो बनाई है क्यू एंड ए ब्लॉग जो भी बनाया, तो उसके लिए आप प्यारे प्यारे से कमेंट करें कि आप सभी को कैसा लगा। थैंक यू, हाय गाइस।